पैठनी, जिसका इतिहास बहुत पुराना है और जो रॉयल साड़ी में से एक साड़ी मानी जाती है। ऐसे कहा जाता है कि इसकी लस्टर यानी शाइन कभी भी कम नहीं होती। तो चलो जानते हैं इस वीडियो में ये पैठनी की खासियत, उसकी वैरायटी और उसकी प्राइस रेंज भी। Hey you all my lovely friends over there, I'm Riya here and welcome to my channel. तो आज का वीडियो है पैठनी के बारे में, जो हर एक लेडी की फेवरेट होती है और महाराष्ट्र की सबसे फेमस साड़ी है, बल्कि की महाराष्ट्र के आन और शान है। और ये पैठनी में बहुत सारी वैरायटी होती है, जैसे कि सेमी पैठनी, ओरिजिनल पैठनी, महारानी पैठनी और बहुत सारी वैरायटी, जिनकी स्टार्टिंग रेंज है फ्रॉम रूपीज 1500 से 1.5 लाख तक। और अभी मैं जा रही हूँ नासिक के येवला में, क्योंकि मुझे एक ओरिजिनल पैठनी लेनी है जहाँ पे ये पैठनी बनती है, बल्कि की मैन्युफैक्चर होती है। बट डोंट वरी, आप अगर यहाँ पे नहीं आ सकते हैं तो उनके व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम के जरिए पैठनी की वैरायटी देख सकते हैं और आपकी मनपसंद पैठनी खरीद भी सकते हैं। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, यहाँ पे पैठनी की बहुत सारी शॉप्स है, लेकिन मैं ये शॉप में गई थी क्योंकि इनको पैठनी के रीइन्वेंशन, वैरायटी और स्पेशलिटी के लिए 5 राष्ट्रपति पुरस्कार मिले हैं। यहाँ पे सेमी पैठनी स्टार्ट होती है 1500 से, यानी 1500 से, और ओरिजिनल पैठनी 7000 से। पैठनी की ऐसी बहुत सारी सुंदर वैरायटी देखने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए, लेकिन उसके पहले भांगे परिवार के सबसे सीनियर सदस्य शांतिलाल जी भांगे के साथ है और हम उनके लूम में है, जिसको हम हाथमाग बोलते हैं। इनका ये पैशन है, 1958 से ये वर्किंग कर रहे हैं पैठनी का, एंड ही इज द मैन, 5 प्रेसिडेंट अवार्ड, राइट? बहुत बड़ी चीज है। पैठनी का क्या इम्पोर्टेंस है महाराष्ट्रियन या फिर इंडियन हिस्ट्री में? तो पैठनी साड़ी हर एक के पास में एक एक होना चाहिए, उसका अभिमान होता है महाराष्ट्रीय लोगों का। ये पैठनी जो है कम से कम 2000 साल पहले पुरानी कला है। ये पैठनी का एक विशेषता सबसे ये है कि तुम किधर भी जाओ, ऑल इंडिया ने ऑल वर्ल्ड में जाओ, वो रॉन्ग और राइट दोनों साइड से एकदम परफेक्ट दिखे। ओरिजिनल पैठनी देखने से पहले स्टार्ट करते हैं सेमी पैठनी से। ये सेमी पैठनी है जो कि आपने कहा था कि मुंबई में 3000-4000 को मिलती है, तो ये जो है ये मशीन मेड है, ये प्योर सिल्क में होके ये आर्ट सिल्क है। अच्छा, इसका पूरा काम, इसमें बॉर्डर में पीकॉक का है, लेकिन ये सब जो है मशीन वर्क है। इसकी वजह से इसका कॉस्ट कम है, जो स्टार्टिंग रेंज है वो 1500 से शुरू होता है। इसका ये सेमी पैठनी है, इसका कॉस्ट 2500। अच्छा, ओके, 2500। तो आपको अगर महंगी वाली पैठनी नहीं लेनी है तो यहाँ पे बहुत सारे लवली ऑप्शंस है सेमी पैठनी में, लेकिन आपको अगर मेरी तरह ओरिजिनल पैठनी पसंद है तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है ब्यूटीफुल पैठनी में। स्टार्टिंग रेंज सिंगल पल्लू। अच्छा, स्टार्टिंग रेंज 7000 वगैरह अप्रोक्सीमेट। अच्छा, सिंगल पल्लू, ये डबल पल्लू है और ये सब हैंडमेड है ना? सब प्योर, टोटली हैंडमेड प्योर पैठनी। अच्छा, और इसकी क्या प्राइस है? ये 7500 to 8000। ये 7500 से 8000 के रेंज में है। यहाँ पे आपको हर एक बजट के अनुसार ब्यूटीफुल पैठनी मिलेगी, स्टनिंग ट्रेडिशनल कलर्स में और वाइब्रेंट फ्लोरोसेंट कलर्स में भी। ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर है बॉर्डर, इसमें जो कड़ियल बोलते हैं इसको, जिसे कॉन्ट्रास्ट बॉर्डर कहता है, बरोबर। इसके बॉर्डर का धागा अलग है और बीच का बॉडी का धागा अलग होता है, बरोबर। हाँ। और ये जो साड़ी है इसे महारानी पैठनी कहा जाता है। इसकी क्या प्राइस रेंज है? ये 16000। तो ये गॉर्जियस महारानी पैठनी 16000 के रेंज में है, जिसके बॉडी, बॉर्डर और पल्लू का कलर अलग अलग है। वेरी नाइस। ये भी महारानी पैठनी ना? महारानी पैठनी, और इसमें बहुत सारे लवली कलर कॉम्बिनेशन है। ये भी महारानी कॉन्ट्रास्ट बॉर्डर का है। यहाँ पे आपको 1500 से लेके 1.5-2 लाख की भी पैठनी मिलेगी, लेकिन ये प्राइस डिफरेंस क्यों होता है, चलो जानते हैं इसके बारे में। और ये है इनके ओनर। नमस्कार। एक्चुअली जो प्योर पैठनी जो होती है उसका स्टार्टिंग रेंज
मिनिमम 7000 से आगे जो कि प्योर सिल्क में बनता है तो उसका जो रेंज है जिसको सिंगल पल्लू कहा जाता है स्टार्टिंग रेंज में उसकी कॉस्ट जो है वो 7000 से आगे चलती है। उसके बाद में डबल पल्लू होता है 7500 टू 8000 तक का। उसके बाद में टिश्यू पल्लू में आता है। उसके बाद में और जो कि मोटिव्स होते हैं सब ऐसा करते करते जो कि उसकी रेंज 7000 से लेके 1-1.5-2 लाख तक बनती है। डिज़ाइन का क्वालिटी रहेगा वो इस तरह से उसका रेट पड़ेगा। ये कितने की है? ये 15,999 16,000। अगर आपको व्हाइट कलर पसंद है तो ये है व्हाइट कलर में ओरिजिनल पैठनी साड़ी जो बहुत ही एलिगेंट लग रही है। जी 12,500। इसमें जो है पल्लू में पीकॉक का अलग से डिजाइन बनाया हुआ ये है। बड़ा डिजाइन बनाया है। इसमें बड़ा बूटी दिया है पीकॉक का जैसे कि, और ऐसे बॉर्डर है। ये बॉर्डर है। और इसकी रेंज क्या होगी? ये 13,000 टू 15,000 तक होता है। 13,000 से 15,000 तक का होता है। ये ब्रॉकेट पैठनी जैसे कहा जाता है इसे मुनिया बॉर्डर कहते हैं। इसका प्राइस रेंज जो है वो 17,000 टू 20,000 तक जाता है। जैसे डिपेंड करता है जितना वर्क ज्यादा पल्लू में वर्क करेंगे। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर के पैठनी में बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशंस भी मिलेंगे जिनकी प्राइस रेंज अलग अलग है। पूरा सेल्फ ओनली ब्लैक एंड व्हाइट, इसमें कोई कलर ऐड किया नहीं है। right. सिर्फ दो ही कलर है। ब्यूटीफुल मजेंडा कलर, ट्रेडिशनल कलर, राइट? पैठनी का ट्रेडिशनल कलर है। ये पैरेट पीकॉक ब्रॉकेट है। okay. और इसकी क्या रेंज है? इसका रेंज आपको 35,000 to 40,000 तक। अच्छा। इसमें इसे ही ब्रॉकेट कहते हैं लेकिन इसमें बॉर्डर में थोड़ा भरा हुआ काम किया है। जिसकी देखिए आपको मैंने कहा है कि पैठनी कैसे पहचानना है तो जैसे कि ये डिज़ाइन यहाँ पे आपको दिख रहा है वैसे ही रिवर्स साइड में जो आपको दिखने वाला डिज़ाइन है वो भी ऐसे ही दिखेगा। अच्छा। ये वीविंग में है। अच्छा, ये कोई ऐसा जैकार्ड वर्क या तो फिर उसमें प्रिंटिंग या ऐसा कुछ ये नहीं है। मैकेनिज्म इसमें कुछ यूज किया हुआ नहीं है। अच्छा, ये पूरा हाथ से बनाया हुआ है तो ये दोनों बोथ साइड सेम दिखेगा डिजाइन आपको। अच्छा, जैसे कि ये देखिए ये यहाँ पे पीकॉक आपको नजर आ रहा है, बरोबर है? ये साइड से भी आपको पीकॉक वैसे ही नजर आएगा। ये बैक साइड है। अच्छा, ओके। तो ये असली पैठनी की पहचान है कि बोथ साइड वो सेम वो वीविंग में होता है पूरा, उसको कोई धागा नहीं दिखता है। जैसे आपने अभी पीकॉक बॉर्डर देखा, पैरेट पीकॉक देखा है, इसमें पैरेट पीकॉक लोटस जैसे कि जैसे मिक्स किया हुआ पूरा बड़ा डिज़ाइन इसमें दिया हुआ है। अच्छा, बहुत बड़ी बॉर्डर है। बड़ी बॉर्डर है, वेरी नाइस। इसके पल्लू में भी सब डिज़ाइंस दिए हुए हैं। ओके। ये भी प्योर पैटर्न बोथ साइड सेम मिनिमम करीब 50,000 तक आए। भले ही अभी मेरा बजट नहीं है लेकिन उत्सुकता ज़रूर है इनकी 1.5-2 लाख की स्पेशल साड़ीज देखने की, तो चलिए मेरे साथ क्योंकि पता तो चले कि कैसे होती है। ये हमारा ओन प्रोडक्ट है, इसे भी इसमें भी मुनिया है लेकिन ये अलग से मुनिया बॉर्डर बनाई हुई है ब्लैक साड़ीज। इसमें जो पल्लू दिया है वो ट्रेडिशनल पल्लू है जो कि जैसे म्यूजियम की जो डिज़ाइंस है पुराने ज़माने में जो बनती थी पैठनी साड़ी उनकी जो डिज़ाइंस है ये सब डिज़ाइंस इसके ऊपर बनाई हुई है। भांडगे परिवार की ये प्रोडक्शन है। अच्छा, आपकी स्पेशलिटी? ऐसा स्पेशलिटी है ये सब। और ये भी प्योर सिल्वर है? ये भी प्योर सिल्वर है। okay. इसको अलग ढंग से देखिए ब्लैक को व्हाइट जर्जी हाँ। कॉम्बिनेशन किया हुआ है। yes. जबकि नॉर्मली गोल्डन होती है तो हम। और ये साड़ी की प्राइस भी अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख के नजदीक है। ये जो साड़ी है ये पूरा ट्रेडिशनल डिजाइन सब म्यूजियम से ली हुई डिजाइन है। इस डिजाइन को राष्ट्रपति पुरस्कार नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। अच्छा, ओके। ये डिजाइन इसे असावली कहते हैं और यही डिजाइन ब्रिटिश एयरवेज ने भी हमारी उनके टेलीफिन पे लगाई हुई थी। और इसकी क्या प्राइस रेंज होगी? फिर ऑफ कोर्स महंगी होगी डेफिनेटली।
क्योंकि डिजाइन भी एकदम ट्रेडिशनल 90,000 to 1 lakh का है और इसमें प्योर जरी यूज किया हुआ है। अच्छा, प्योर जरी या चांदी है ये। हाँ। ये पैठनी में इसे ऑल ओवर डिजाइन बनाया हुआ है, इसमें पूरा बॉडी में डिजाइन, पल्लू में डिजाइन है इसका। ये जो है ये देख रहे हैं आप, ऑल ओवर वर्क वाली जो पैठनी है उसकी क्या प्राइस है? ये 1,50,000 to 2 lakh तक जैसा काम रहेगा वैसा। बराबर है, क्योंकि काम ज्यादा है, काम कितने मंथ्स लगते हैं बनने में? 8 to 10 months 8 to 10 months 8 to 10 महीने। ये पूरा हाथ से बुना हुआ है, पूरा साइड में, बैक साइड भी उसका। ये बैक साइड है, ये बैक साइड है, ये फेयर साइड है, फिर भी दोनों अच्छा। साइड से आप उससे देखेंगे तो एक ही डिजाइन नजर आएगा, एक ही डिजाइन नजर आते हैं। महाराष्ट्र में 6 वार साड़ी और 9 वार साड़ी भी पहनी जाती है, जिसे ट्रेडिशनल 9 वार साड़ी बोलते हैं। तो ये 9 yards में है, 9 meter का साड़ी है। अच्छा, ये 9 meter की पैठनी साड़ी है, साड़ी है। ये है ब्यूटीफुल पैठनी दुपट्टाज में वैरायटी, जिनके प्राइस रेंज अलग अलग है, जैसे कि 2,500, 2,700 और इसके ऊपर भी। प्योर पैठनी का दुपट्टा है, रॉकेट में बनाया हुआ है। अच्छा, रॉकेट में पैठनी दुपट्टा। याची काय रेंज है तरी? 2,500 to 2,700 रुपये। लेकिन और एक बात मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं तो मुंबई से हूँ, या महाराष्ट्र से जो लोग हैं वो यहाँ पे आके प्योर पैठनी ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स इंडिया के बाहर से भी है, तो वो लोग ये पैठनी कैसे खरीद सकते हैं? फेसबुक पेज है भांडगे पैठनी नाम से, उस पेज पर हम लोग कुछ फोटोग्राफ्स अपलोड करते हैं, उसके ज़रिए कस्टमर जो भी जिसको उसमें इंटरेस्ट है वो देखते हैं, वो देख के वो हमसे कांटेक्ट करते हैं, जैसे कि व्हाट्सअप नंबर पे भी उस पर दिया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है जो ये छोटे से वीडियो में कैप्चर करना पॉसिबल नहीं है। एक बात बताना चाहूँगी कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत सारी पैठनी की जो वैरायटी है वो बहुत ही पसंद आई, और ये पैठनी मैंने मेरे लिए खरीदी है और इसको बोलते हैं महारानी पैठनी। तो ये सब था आज के वीडियो के बारे में, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड राइट सम गुड कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स बिलो। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय, टेक केयर। अब इनको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला, बहुत बड़ी बात होती है ये। पैठनी का नाम पूरे वर्ल्ड मैप में आया, हमने देखा कि ब्रिटिश एयरवेज ने उसके फिन में पैठनी का यू नो पूरा बैकड्रॉप लिया था। तो हम जानना चाहेंगे शांतिलाल जी के, जब अवार्ड मिला प्रेसिडेंट अवार्ड, तो क्या फीलिंग थी आपके लिए? बहुत, मेरे को तो बहुत आनंद, इतना आनंद हो गया ना कि मेरे मन में समाया नहीं, इतना आनंद हो गया। तो ये आनंद का हिसाब से भी मैं जितना वर्क किया वो वर्क का जो फल था, फल मिला, वो फल मिला मेरे को। और जो पुरानी डिजाइन थी, जो पुरानी डिजाइन है कि जो जो 1,000 to 1,500 years पहले उसको जो साड़ी हर एक म्यूजियम में रखा है, वो म्यूजियम का साड़ी लेके उसको हम बना के वो नए ढंग में उसको लाया, इसलिए प्रेसिडेंट नाम का अवार्ड दिया। वेरी गुड। साड़ी है वो बनने में कितने साल लगते हैं? अलग अलग डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि जो बेसिक साड़ी है, बेसिक साड़ी बनने में 5-6 दिन से लेके जो हाईएस्ट रेंज की साड़ी होती है जिसमें बहुत सारा काम होता है, ऑल ओवर का काम होता है, वो साड़ी बनने में 1 to 2 years तक भी लग सकता है। 1 to 2 years लगता है, अलग अलग होता है। एक साड़ी बनने में मुनिया बॉर्डर का होता है, उसे बनने में 1.5 महीना लगता है। उसके बाद में जो ब्रोकेट का है, पीकॉक का है, उसे 2 महीना लगता है। बड़ी बॉर्डर होती है उसको 3-4 महीना लगता है। ऐसा अलग अलग लग के 2 साल तक का पीरियड उसमें चलता है।